बात करेंगे 20 स्टॉक विच कैन डिलीवर 13 to 22% रिटर्न इन कमिंग टाइम्स। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। हम इसमें अच्छे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज़ लाते रहेंगे एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस 20 स्टॉक के बारे में। अभी रिसेंटली मनी कंट्रोल ने 26 सितंबर को एक आर्टिकल पब्लिश किया है, टाइम टू बाई मिड कैप क्वेश्चन मार्क है, और ब्रोकरेज से दिस 20 स्टॉक्स कैन रिटर्न 13 to 17%। दोस्तों यह आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि बुल कैप बेयर्स कंप्लीटली अवे फ्रॉम द लास्ट स्ट्रीट फॉर टू डेज September 19 and 23, जो हिस्ट्री का बिगेस्ट एवर रैली आया है। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है उसमें बिगेस्ट एवर जंप हुआ है, और जो कॉरपोरेट टैक्स था वो कम हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल था। दोस्तों मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल तो था ही, लेकिन रिसेशन की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक 52 वीक लो पे चल रहे थे, काफ़ी सारे स्टॉक लाइफ टाइम लो पे भी चल रहे थे, और ओवरऑल एक जो प्राइजिंग था सभी स्टॉक का वो काफ़ी नेगेटिव था, काफ़ी कम हो गया था। तो उसकी वजह से जो आने वाले दिन है उसमें 13 to 77% रिटर्न तो दे ही सकता है। तो आइए देखते हैं कौन से ब्रोकरेज हाउस ने कौन से स्टॉक से दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो आर्टिकल में नाम पब्लिश हुए हैं कंपनीज़ के उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल कंपनीज़ के बारे में जानना है तो आपको हमारे इंडिविजुअल कंपनी के वीडियो में जाना पड़ेगा। दोस्तों हियर आर द 20 पिक्स एमोंग मिड कैप विच कैन चूज फॉर योर पोर्टफोलियो एज दे आर एक्सपेक्टेड टू गिव 13 to 77% रिटर्न इन नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। यानी कि एक से डेढ़ साल में ये 13 to 77% रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों जो एंटी स्टॉक ब्रोकिंग है उसने ये कंपनीज के बारे में राय दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो पहला कंपनी है वो है TVS मोटर, इसका जो टारगेट प्राइस है वो है 544 रुपीज़ और रिटर्न है 35%। दूसरा है फेडरल बैंक, 125 रुपीज़ का टारगेट है, रिटर्न है 36%। तीसरा स्टॉक है गुजरात गैस, टारगेट प्राइस है 270 रुपीज़, रिटर्न है 54%। चौथा है नाटको फार्मा, टारगेट है 740 रुपीज़, रिटर्न है 26%। उसके बाद एक अजेरिया सिरामिक, 760 रुपीज़, टारगेट रिटर्न है 34%। नेशनल एल्यूमिनियम 53 रुपीज़, 21%। जॉनसन कंट्रोल का है 2416 रुपीज़, 31%, और CCL प्रोडक्ट्स इंडिया का है 350 रुपीज़, 50%। मोइल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वो उसका टारगेट है 202 रुपीज़, 61%, और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का टारगेट है 370 रुपीज़, 29%, एंड धनुका एग्रीटेक 570 रुपीज़, 77%। दोस्तों धनुका एग्रीटेक का बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इस बार मानसून अच्छा हुआ है, वो तो एक सीजनल थीम तो है ही, और बाकी नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है वो बॉटम आउट हो चुकी थी। मोइल मेटल सेक्टर काफ़ी डाउन साइड था, उसकी वजह से इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है, और बाकी जो बैंकिंग सेक्टर था और ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसमें भी काफ़ी डाउन था, उसकी वजह से सभी सारे शेयर्स बॉटम आउट हो चुके थे और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये जो स्टॉक्स है वो स्टैंडर्ड स्टॉक्स है और इसमें से कोई भी पेनी स्टॉक नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनीज है और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकते हैं। दोस्तों उसके बाद ICICI डायरेक्ट ने जो रेकमेंड किया है उसका नाम है रामको सीमेंट, 1020 रुपीज़ का टारगेट है, 35% का रिटर्न दे सकता है। PVR 2080 का 13%, महिंद्रा फाइनेंस 425 रुपीज़, 26%, एंड पीडीलाइट इंडस्ट्री 1625 पर टारगेट रुपीज़ है और 13% का रिटर्न दे सकता है, और VST इंडस्ट्रीज से 4600 रुपीज़, 23% का टारगेट है, और भारत फोर्स 515, 17% का टारगेट है। दोस्तों यहाँ पे भी ये सभी सारी कंपनीज काफ़ी जारी मानी कंपनीज है, काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू भी है, तो ये कंपनीज भी काफ़ी सारा रिटर्न दे सकती है और एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकती है। दोस्तों उसके बाद प्रभुदास लीलाधर ने 3 कंपनीज में टारगेट दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 481 रुपीज़ का रिटर्न, 33% का टारगेट दिया है। उसके बाद स्पाइस जेट
198 रुपीज़ 53% का टारगेट, और कलतरु पावर ट्रांसमिशन 624 रुपीज़ 26% का टारगेट। तो ये सब में एक्सपेक्टेशन है कि डबल डिजिट में अर्निंग ग्रोथ हो सकता है इन कमिंग ईयर्स, एंड जो स्लो डाउन का इम्पेक्ट था वो दिख सकता है फॉर कपल ऑफ क्वार्टर। उसके बाद जो बेड रिटर्न था, बेड अर्निंग था, वो सब जो सवरन मंथ्स में हुआ है पिछले, वो वाइप आउट हो सकता है और एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी कंपनीज़ काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू थी, काफ़ी अच्छी कंपनीज थी, तो इसमें जो भी व्यूज़ है वो एक्सपेक्टेड है कि फुलफिल हो सकते हैं। और कपतरू पावर ट्रांसमिशन में भी हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, काफ़ी सारी कंपनीज में हमने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, इंडिविजुअल कंपनी का जो एनालिसिस है वो भी कवर किया है, तो आप इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हो। और ये एक ओवरऑल स्टॉक लिस्ट था जो 3 ब्रोकरेज हाउसेज ने पब्लिश किया है। तो दोस्तों, ये थी 20 कंपनीज जिसमें एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।